नमस्कार, मैं वरुण कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर बैकवंड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सीमान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज हम लोग शिक्षण के विभिन्न चरणों पर चर्चा करेंगे। शिक्षण के चरण, फेजेज ऑफ टीचिंग, अगर हम पूरी शिक्षण प्रक्रिया को देखें तो वह कई छोटे छोटे स्टेप्स से, चरणों से मिलकर बनी होती है। या ये कहें कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया में जो छोटी छोटी कई एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे मिलकर के यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जैक्सन साहब ने इस पूरे शिक्षण प्रक्रिया को तीन भागों में डिवाइड किया। प्री एक्टिव या प्लानिंग फेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या योजना अवस्था कहते हैं। दूसरी इंटरैक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन फेज, मीन्स अंतःक्रिया अवस्था या क्रियान्वयन अवस्था कहते हैं। और तीसरी अवस्था है वह पोस्ट एक्टिव या इवेल्युएटिव फेज, मीन्स उत्तर संक्रिया या पश्च संक्रिया अवस्था या मूल्यांकन अवस्था। तो जैक्सन साहब ने पूरे शिक्षण प्रक्रिया को इन तीन चरणों में डिवाइड किया है। पूर्व संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था क्लासरूम में जाने से पहले की अवस्था है। ये टोटली प्लानिंग फेज है। इसमें हम शिक्षण में किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन देना है, किस प्रकार के शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, किस तरह के कंटेंट को इस्तेमाल करना है, किस तरह की टीचिंग एड को निर्माण करना है, वहाँ पे टीचिंग एड का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, यह पूरी जो है प्लानिंग या पूरी जो योजना है इस अवस्था में आती है। इसीलिए इस पूर्व संक्रिया अवस्था को हम प्लानिंग स्टेज या प्लानिंग फेज भी कहते हैं। अपने लेसन को ज़्यादा आसान, बोधगम्य और प्रभावी बनाने के लिए जो कुछ एक्टिविटी क्लासरूम में जाने से पहले की जाती है, वो सारी एक्टिविटी, सारे क्रियाकलाप इस पूर्व संक्रिया अवस्था के अंतर्गत आते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस पूर्व संक्रिया अवस्था में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो पहले हम देखें तो शिक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, उस उद्देश्य का निर्माण करना इस अवस्था में शामिल है। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण पहले किया जाता है कि जो हमारा शिक्षण होगा वो किस पे आधारित होगा, हमें शिक्षण के दौरान किस तरह के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है, एंटरिंग बिहेवियर क्या है, और फिर हमें डिसाइड करना होता है उसी एंटरिंग बिहेवियर के आधार पे कि उनका टर्मिनल बिहेवियर क्या होगा, शिक्षण के बाद, शिक्षणोपरांत हमें क्या क्या, किस किस तरह के व्यवहार परिवर्तन मिल सकेंगे, हमें छात्रों में किस तरह के व्यवहार परिवर्तन करने हैं। दूसरी बात यह हम ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट कंटेंट, विषय वस्तु, कौन सी विषय वस्तु इसके लिए प्रयोग की जाए। जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरह की विषय वस्तु प्रस्तुत की जाए, उसका चयन करना, उसका निर्माण करना इस अवस्था में, इस स्टेप में शामिल है। तीसरी बात इसमें हम यह ध्यान देते हैं कि कंटेंट का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, उसका सीक्वेंस क्या हो, उसका अनुक्रम क्या हो, पूरी विषय वस्तु को एक सीक्वेंस में सजाया जाता है, एक अनुक्रम में रखा जाता है, जिससे कि पूरा जो पाठ है वो इंटरेस्टिंग रहे, छात्र उसमें रुचि ले और बोधगम्य हो, छात्रों को वह समझ में आ जाए, एक कंटिन्यूटी उसमें होनी चाहिए। इसके लिए हम पूरे कंटेंट को एक सीक्वेंस में सजाते हैं, अनुक्रम में सजाते हैं। आगे हम देखें तो इसमें हम टीचिंग की स्ट्रेटजीज को डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह की स्ट्रेटजी टीचिंग के दौरान अपनाएंगे, कौन सी प्रविधि का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया जाएगा, इन सब सारी चीज़ों का जो निर्धारण है हम क्लास में जाने से पहले ही करते हैं और प्री एक्टिव फेज में करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, उन टीचिंग स्ट्रेटजीज का जिसका हमने चयन किया है
वह कहाँ पे, किस कंटेंट मैटर पे और किस क्रम में वहाँ पे लागू की जाएगी, इसका निर्धारण करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि वह शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि किस समय और किस अनुक्रम में कक्षा में उपस्थित करनी है, लागू करनी है, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो प्री एक्टिव फेज में ये मुख्य बातें हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं। इंटरैक्टिव फेज, अंतः क्रिया अवस्था। अंतः क्रिया अवस्था पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग अवस्था का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। इसमें हम जो कुछ पहले हमने योजना बनाई थी उसी का क्रियान्वयन करते हैं। यह पूरी तरह से क्लास के, कक्षा के अंदर ही की जाती है। जितनी भी एक्टिविटीज़ है, क्रियाकलाप है, जो क्लासरूम के अंदर की जाती है, क्लासरूम में एंटर करते ही जो कुछ एक शिक्षक करता है अपनी प्लानिंग के अनुसार, वह पूरी तरह से इंटरैक्टिव फेज के अंतर्गत आता है। छात्रों से जो इंटरैक्शन है वह किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए जो हमने प्लानिंग की थी उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है, यह इस फेज में आता है। इंटरैक्टिव फेज में हम देखें कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो क्लास में एंटर करते ही हमें क्लास पे पूरा एक नज़र देना होता है कि क्लास में स्टूडेंट की उपस्थिति क्या है, कौन किस तरह से बैठा है, कहाँ बैठा है, किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, कहीं लाइट की कमी हो, कहीं पे आगे और पीछे बैठने में किसी को प्रॉब्लम हो, तो वो सारी चीज़ों को हम एक बार देख करके क्लास को अरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ है वो है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। तो हम पूर्व ज्ञान का पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है, उसके बाद हम उनमें अगर कुछ कमी है तो उसको दूर करते हैं और फिर अपना शिक्षण कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन में जो हम स्टिमली का सिलेक्शन करते हैं, एक तरह से जो हमारी कंटेंट होती है वो स्टिमली होती है जिस पे हमारा शिक्षण आधारित होता है, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, छात्रों को रेइंफोर्समेंट देते हैं और अपनी जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई थी उसको वहाँ पे लागू करते हैं। नेक्स्ट फेज है पोस्ट एक्टिव फेज या इवेल्यूशन फेज। टीचिंग के बाद हम अपनी पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। यह मूल्यांकन अवस्था है, इसमें हम अपने शिक्षण का मूल्यांकन करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जो उद्देश्य बनाए गए थे वो प्राप्त हुए या नहीं, किस हद तक प्राप्त हुए, हमारी जो शिक्षण की पाठ्य वस्तु थी उसका चयन कैसा था, पाठ्य वस्तु को प्रेजेंट करने का तरीका कैसा था, शिक्षण हमारा कितना प्रभावी रहा, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। उसमें प्रयुक्त की गई टीचिंग एड्स कैसी रही, उसका प्रेजेंटेशन कैसा रहा, उससे हमारा छात्र कितना सीखा, कितना प्राप्त किया, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन हम इस फेज में करते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी शिक्षण प्रक्रिया इन तीन चरणों में संपन्न होती है, पूर्व संक्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था तथा पश्च संक्रियावस्था। थैंक यू।